हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो कि साइंस बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स ऐड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मेजर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट होता है सेलिवरी ग्लैंड, सेकेंड होता है फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। उसके बाद में एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लिवर है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रीज, ये सारे ऑर्गन्स इसमें ऐड होते हैं। तो फर्स्टली ये देखा जाता है कि सबसे पहले जब फूड हमारे माउथ से एंटर करता है, सबसे पहले उसे चबाया जाता है। तो चबाने के लिए 4 टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर्स जो कि काटने का काम करते हैं, सेकंड होते हैं कैनाइंस जो कि चीनी फाड़ने का काम करते हैं, थर्ड होता है मोलर्स एंड फोर्थ होता है प्रीमोलर्स। तो जो मोलर्स होते हैं और जो प्रीमोलर्स होते हैं ये के टुकड़ों में पीसने का, छोटे छोटे टुकड़ों को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के टीथ्स थे। अब जो फूड है, सबसे पहले फूड माउथ के अंदर एंटर करता है और वहाँ पर 4 टाइप्स के टीथ के द्वारा ये चबाया जाता है। चबाने के बाद में यहाँ पर कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे सलाइवा निकलती है और जो सलाइवा है वो भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मार देती है। उसके बाद में ये चिकना हो जाता है और उसके बाद में ये ईसोफेगस में एंटर करता है। ईसोफेगस में एंटर करने के बाद में फूड स्टमक में पहुंचता है, ईसोफेगस के सहारे ही पहुँचता है, वहाँ से जाता है और फिर स्टमक में जाएगा। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मार देता है और यहाँ पर सेमी डाइजेशन होता है फूड का, जहाँ पर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रीज से जूस निकलते हैं, यहाँ से पाचक रस निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फैट, प्रोटीन, इन सब का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। कम्प्लीट डाइजेशन के बाद में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें, जहाँ पर बिलाई नाम की सेल्स पाई जाती हैं जो विटामिन्स और जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स रहती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती हैं और ये जो जूस निकलता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको ब्लड वेसल तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद जो सॉलिड वेस्ट फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद में जो सॉलिड वेस्ट रहता है वो एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर डाइजेशन की डेफिनेशन है। डाइजेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो खाते हैं उसको वो पोषक तत्वों में बदल देते हैं। विच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी, जिसका यूज़ अपन एनर्जी के रूप में करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं, सेल रिपेयर नीडेड टू द सर्वाइव, और हमें जीवित रहने के लिए और हमारी सेल्स को रिपेयर के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है। द डाइजेशन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वेस्ट टू बी एलिमिनेटेड। तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन बहुत ही इस प्रक्रिया में भी शामिल होता है जो वेस्ट को एलिमिनेट करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इस टाइप से एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड माउथ के द्वारा फूड एंटर करता है, सेलिवरी ग्लैंड से ईसोफेगस, स्टोमक प्रेजेंट होता है, स्टोमक में जाता है, उसके बाद में पैनक्रीज और लीवर से जूस निकलते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मैं आपको और बता रही हूँ, यहाँ पे एक रियल डायग्राम है, उसको देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का डायग्राम रहता है जिसमें ईसोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद में लीवर है, पैनक्रीज, यहाँ पे लीवर है, लीवर का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, पैनक्रीज ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का रहता है, पैनक्रीज येलो कलर का, ये इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जो ग्रीन कलर की दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद में एनस, रेक्टम वगैरह, ये सारी प्रोसेस रहती है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।